हेलो फ्रेंड्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो है लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन का मैं आज वो प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए क्लासीफिकेशन और कैटलॉगिंग जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है जिससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिकली देखिए एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको तो जो सीखने की चीज़ जो मुझे लगती है लाइब्रेरी साइंस के अंदर वो सबसे अच्छी बात जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है एंड कैटलॉगिंग है हालांकि आज के इस दौर के अंदर कैटलॉगिंग के तो हमारे पास कई सारे उपाय आ गए हैं लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए अगर देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है और इस पद्धति के बारे में जो है परिपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है तीन महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं जिसका नाम है डीडीसी यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज्यादा काम ली जाती है एक आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन है और एक पद्धति जो है आपकी उसका नाम है आपका यूडीसी इट्स ए यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बारे में जो है हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे लेकिन इसका क्लासिफिकेशन यानी कि पद्धतियों के प्रकार कौन कौन से हैं कहाँ से क्लासिफिकेशन जन्मा क्यों जो है आज हम क्लासिफिकेशन को इतनी तवज्जो देते हैं और लाइब्रेरी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है हम उनके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे जितने भी लोग मेरे साथी जितने भी लाइव हैं आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया सिया विश्वकर्मा वेरी गुड इवनिंग जी सिया जी बहुत सिया जी कह रही है कि सर सिक्सटी के सब्सक्राइबर देखिए ये आप ही लोग हैं जो जिनकी वजह से जो है आज सब्सक्रिप्शन जो है आपका पहुंच गया ये चैनल जो मात्र आपसे आज से डेढ़ से दो साल पहले स्टार्ट किया गया था और मात्र दो साल के अंदर जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि सिक्सटी सब्सक्राइबर जो है आज हो गए तो एक सेलिब्रेशन बनता है बिल्कुल डेफिनेटली और इस चीज के लिए जो है आप ही लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि आप ही लोगों के स्नेह प्यार की या मोहब्बत की वजह से जो है हम लोग यहाँ तक हमने सफर तय किया तो देखिए लगातार जो है सेवाएं आपको दे रहे हैं चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं जी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दो मिनट का समय लूँगा क्योंकि वैसे तो जब मैं नाम बोलता हूँ उसके आप तक जो है आवाज़ थोड़ी स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी लेट पहुँचती है लेकिन तब तक जितने भी लोग लाइव हैं मैं सभी के नाम लूँगा आज जी भंवर सुतार जी जी जोधाड़ा से प्रणाम प्रीति प्रियदर्शनी है कविता पाल डॉली मुस्कान वेरी गुड इवनिंग नेहा देवी वेरी गुड इवनिंग तपस कु खचाना है ना वेरी गुड इवनिंग जी बड़े इंटरेस्टिंग नाम जैसे जिस नाम से आईडी बनी होती है तो कई बार जो है ठीक है नॉर्मल सिंपल से नाम तो पढ़ने में आते देखिये उसके बाद पूजा कश्यप है रवि जाटव तो तो है, है पूर्णिमा कुमारी वेरी गुड इवनिंग सोनी भगत देन वसी अकरम है वेरी गुड इवनिंग हनवंते सर जी वेरी गुड इवनिंग आदित्य पांडे वर्तिका सिंह रवि कुमार जी प्ले कैरियर है बाद सुप्रिया मिथिलेश है आकांक्षा है प्ले कैरियर है, है पूजा कश्यप रविंद्र सोनी सिंगला, सॉरी सोनिया सिंगला, सौरभ हडौती है सोनी राजन है नेहा रानी गीता कुमारी नीरजाज हॉबी पूजा सिंह मनीषा अर्चना प्रीति देन अवनीश रानी का संसार जी बहुत गाने का संसार जी बहुत बढ़िया हेमा अधिकारी सचिन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का प्रमोद पाल जी आपका स्वागत है बदनाम शासक राम राम जी ओके सो थैंक यू फॉर दिस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वेरी गुड इवनिंग सर वीडियो डाउनलोड ऑफ क्यों कर रखा जी नहीं वीडियो डाउनलोड मैं ऑफ नहीं कर रखा है ना आई एम वर्किंग मैं रहती हूँ जी बिल्कुल आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग ऑफ नहीं है और मुझे नहीं पता डाउनलोडिंग ऑफ जो है वो किस वजह से होता है ओके सो जी चलिए बहुत अच्छी बात है और क्लास को जो है यहाँ से स्टार्ट करते मैं सभी लोगों से बात करूँ जी थैंक यू फॉर दिस आई थिंक इट्स ओके और शायद कुछ नेटवर्क इशू रहा है जिसकी वजह से मैं लगातार आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और जो है कुछ जी प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या इस बार बार अभी दिखाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है प्लीज़ नाउ आई थिंक इट्स ओके नेटवर्क इशू नहीं चल रहा है बार बार रुक रहा है इज इट ओके प्लीज़ बताइए नेटवर्क प्रॉब्लम जी ई थिंक इट्स ओके इट्स ओके आप सही है जी बदनाम जी कह रहे हैं आप सही है चलिए आज की क्लास जो है यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और दैर इज नेटवर्क इशू और नेटवर्क इशू की वजह से जो है ये जी बंद हो गया था लेकिन अब इट्स ओके okay. अब सही है थैंक यू चलिए दिखाई दे रहा है तो आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी बात जो है आप इसको जहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और जितना आप समझेंगे जो है उतना ही आप सब्जेक्ट के करीब जो है आप पहुँचते जाएंगे ठीक है जी थैंक यू शुक्रिया जी जी बिल्कुल ओके ओके क्लेश विथ हाड़ोती वेस कह रहे हैं इज बोन ब्रेक ठीक है चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास जो है और हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में और देन क्या इसका महत्व है उसको आप समझेंगे सिंपल सी बात है देखिए लाइब्रेरी की बात करें मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा जिससे चीजें क्लासीफ क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग जो है नए होंगे जिन्होंने पहले शायद कभी क्लासिफिकेशन के बारे में ना सुना होगा देखा होगा बहुत सिंपल सी बात है एक एक करके हम बात करते हैं हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग किसका कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं रिसोर्सेज का अभी तक आपने जो पढ़ा है तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सोर्सेस ठीक है तो लाइब्रेरी का मतलब क्या है तो लाइब्रेरी का मतलब जस्ट देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन सोर्सेस का क्या है कलेक्शन है लाइब्रेरी का मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स पहली चीज दूसरी चीज लाइब्रेरी के अंदर ये सारे सोर्सेस कैसे होते हैं तो ये पर्टिकुलरली ऑर्डर्ड ओ आर आर डी डी ई ई है ना कैसे होते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन है आपके पास कलेक्शन कैसे होगा आपके पास ऑर्डर्ड फॉर्मेट में यानी कि कलेक्शन किस रूप में होगा आपके पास एक निश्चित क्रम के अंदर जो है आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा ओके okay, सो so, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग कलेक्शन करते हैं ऑर्डर किसके लिए करते हैं तो यूजर के लिए यूएसईआर यानी कि यूजर यानी कि पाठक के लिए करते हैं तो है। इन तीनों को मिलाऊंगा तो डेफिनेशन किसकी बनती डेफिनेशन बनती है मेरी लाइब्रेरी की ये तो पता है आपको तो अभी तक जो हमने पढ़ा मैं कैसे इसको रिलेट करूं देखिए आपने पढ़ा हमने बात करी किसकी हमने बात करी लाइब्रेरी की बात करी तो मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी का मतलब पहला मतलब है लाइब्रेरी का मतलब कलेक्शन अगर सीधी सी भाषा में कहेंगे तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होगा लाइब्रेरी का मतलब होता है, है ना सो इट्स सिंपली कलेक्शन है कलेक्शन कैसा होना चाहिए ऑर्डर्ड क्यों ऑर्डर्ड एक निश्चित क्रम है अगर समस्त कलेक्शन को आप एक निश्चित क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करेंगे? आप यूजर के लिए तो क्या लाइब्रेरी so तो इज जस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस पर्टिकुलर ऑर्डर टू सर्व यूजर यानी कि पाठक के लिए के को हैं तो कलेक्शन आपका लाइब्रेरी अब नाउ इंपॉर्टेंट क्या देखिए यहाँ पर कलेक्शन तो है आपने कलेक्शन बना लिया आपने कलेक्शन इकट्ठा कर लिया लेकिन करने order, करना क्या है उसको ऑर्डर ऑर्डर करना ऑर्डर का मतलब क्या है आपको उसको एक निश्चित क्रम में जमाना तो अगर जब कलेक्शन आपके पास ज्यादा है यानी कि कलेक्शन कैसा आपके पास आपके पास कलेक्शन बल्क में है तो बल्क वाले कलेक्शन को क्या करना है आपको अरेंज करना है क्या करना है आपको अरेंज करना अरेंज करने के लिए आपके पास क्या होना अरेंज करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए है ना रूल्स आप कैसे करेंगे जैसे मान लीजिए मैं पहले भी आपको कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैंने आपको मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल दिया मैंने आपसे कहा कि भाई आपके बहुत सारी चीज़ें हैं है ना जैसे मेडिकल स्टोर वाले के पास क्या होता है आप कभी किसी केमिस्ट के पास आप दवाई लेने जाते हैं तो उसके पास क्या बहुत सारा कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से पर्टिकुलरली वो क्या करता है कि आपको जो चीज़ जो दवाई आपको चाहिए थी वो उसमें से ढूंढ के लाता है तो उसके पास ऐसे हजारों टाइटल होते हैं चीज़ें होती हैं उनमें से पर्टिकुलर वो चीज़ ढूंढ कर लाएगा और आपको सर्विस देगा आपको सर्व करेगा अब अगर आप ऐसी चीज़ चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको लाइब्रेरी इज द सेम थिंग लाइब्रेरी में क्या लाइब्रेरी में भी बहुत सारी किताबें हुई है ना वहां पर बहुत सारा कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से आप पर्टिकुलर तो वो जिस प्रकार आप केमिस्ट से एक दवाई का नाम पूछते हैं वो बता देता है उसके पास है नहीं है वो लाके इंस्टेंट आपको ला के देता उसी प्रकार से लाइब्रेन की भी हालत होती है कि लाइब्रेन के पास भी बहुत सारा कलेक्शन है आप लाइब्रेरी से जब पूछें तो लाइब्रेन को पता होना चाहिए कि वो चीज उसके पास है नहीं है और है तो कहाँ है सेम तो थिंग दोनों ही लोग इंस्टेंट चीजें ढूंढ कर आपको देते हैं यानी कि इंस्टेंट चीजें ढूंढना मतलब क्या है अरेंजमेंट अरेंजमेंट किस लिए क्या आता है अरेंजमेंट क्या आता है इंस्टेंट रिट्राइवल किसलिए होता है आप इंस्टेंट आप अरेंज इसलिए करते हैं भाई चीजें अगर व्यवस्थित होगी अगर चीजें व्यवस्थित होगी तो आप मिनिमम समय में जो है उनको आप प्राप्त कर सकते हैं और चीजें अगर व्यवस्थित नहीं होगी तो आप उसको न्यूनतम समय में प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना तो जो अगर अरेंज है तो आपको ढूंढना किसी भी चीज को ढूंढना आपके लिए इजी है लेकिन अगर अरेंजमेंट ही नहीं है तो आप ढूंढ तो ये केवल अगर आपसे पूछा लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं तो लाइव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया सिंपली क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन हिंदी में कहते हैं इसको वर्गीकरण कहते हैं वर्गीकरण किस लिए किया जाता है अरेंजमेंट के लिए और अरेंजमेंट किस लिए किया जाता है रिट के लिए का मतलब क्या होता है पुनः प्राप्ति आप अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर फॉर्मेट में जमाएंगे क्यों कि आपको क्या करना पुनः प्राप्त करना है उसको वापस आवश्यकता हो कम से कम समय और ये रिट्रावल का वो इट इन मिनिमम टाइम क्या होता है इसका मिनिमम तो मिनिमम टाइम यानी कि आप समय क्या होना चाहिए कम लगना चाहिए तो हम कम तो इसलिए देखिए टाइम की बात आती है मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको टाइम आपने अगर टाइम से तो इसलिए कई बार सवाल पूछा था एग्जाम में कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है जो किया जाता है एक और काम करते हैं क्लासिफिकेशन साथ आपको ध्यान होगा दैट इज नोन एज कैटलॉगिंग करते हैं ना क्लासिफिकेशन के साथ आप क्या करते हैं कैटलॉगिंग भी करते हैं तो आपने क्लासिफिकेशन भी किया और आपने कैटलॉगिंग भी किया ये दोनों चीजें इनका केवल उद्देश्य क्या है कि आपको क्या करना है मिनिमम टाइम यानी कि मिनिमम टाइम किसका टाइम बचाना है आपको टाइम किसका बचेगा टाइम बचेगा किसका आपका यूजर का बताओ यूजर का टाइम बचेगा इसका मतलब आपकी सर्विसेज कैसी होगी बेटर होगी तो मुझे बताइए देखिए छोटा सा कनेक्शन मैंने आपको दिखाया ये बात केवल इसलिए कि ताकि आपके ध्यान में रहे मुझे इस चीज़ को देखकर आप केवल इतनी सी बात बताइएगा कि जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है जो आपको दिखाई दे रही है साफ साफ स्पष्ट तौर पर मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाएगा फाइव लॉज आपने पढ़े हैं लाइफ साइंस के जो कि मैंने पहले भी इसका वीडियो भी दे रखा है जी आपने पढ़े मुझे केवल छोटी सी बात बताइएगा से 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 इसको आप देख सकते हैं और देखने के बाद जो है आप बिल्कुल बता सकते हैं जी वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू देखिए कुछ नेटवर्क इशू था शायद मेरे हिसाब से रिजॉल्व हो गया जितने भी लोग लाइव हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किसी का नाम शायद मैं ले पाया किसी का नाम मैं नहीं ले पाया आप देख सकते हैं और देन अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है संदेश आपके पास पहुंच गया तो आप मुझे बताइएगा ये जो चीज आपको दिख रही है आपको बता रहा है इट इज रिलेटेड विद लॉ यानी कि आपको आंसर कह मैं पूछ रहा हूं आपसे विच लॉ यानी कि मैंने आपको लॉ बताया तो यहां से देखिए आप थोड़ा लॉजिकल हम लोग चलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो भी मेरे हिसाब से शायद आपको आंसर मिल जाएगा जितने भी लोग हैं प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इट इज बिल्कुल सही बात है आपने दिखा स्क्रीन के ऊपर देखा जिनको नहीं पता है उनको भी साफ साफ दिख गया है एंड इट्स वेरी क्लियर जहां पर स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है इट इज नंबर चार फोर्थ लॉ से और ये कैसे है तो मैंने आपको बता दिया इसका संबंध कैसे है तो मेरा ऐसे ही देखिए लॉजिकल चीजें आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आपको आने वाला है तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग हम बात करें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग दोनों ही चीजें जो है अरेंजमेंट और रिट्रेवल से संबंधित है अगर क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो क्लासिफिकेशन इज प्योरली रिलेटेड विद द अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन का संबंध किससे इट्स अरेंजमेंट है ना और अगर मैं कैटलॉगिंग की बात करूंगा तो कैटलॉगिंग का मतलब किससे इट्स रिट्रेवल यानी कि पुनः प्राप्त करना है तो आपके कैटलॉग तो हैं कैटलॉंग दोनों चीजें और दोनों ही काम अगर ये दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग टाइम बचा रहे हैं टाइम किसका बचा रहे हैं जी बिल्कुल बहुत सही बात है तो हम लोग टाइम बचा रहे हैं अपने यूजर का अपने

एफ आई सी ए टी आई क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसका करेंगे तो लाइब्रेरी के अंदर जितना भी मटेरियल है हम लोग इसका करेंगे इट्स मटेरियल मटेरियल अगर बोलूं तो मटेरियल के कई सारे नाम है मैं उसको मटेरियल कह सकता हूं मैं उसको इंफॉर्मेशन सोर्सेज एस ओ यू आर सी इंफॉर्मेशन सोर्स कह सकता हूं इसी मटेरियल को मैं क्या कह सकता हूं मैं इसको बुक्स कह सकता हूं इट्स

क्या कहलाएगा? तो classification का मतलब है, देखिए के अंदर जितना भी मटेरियल है इस पूरे मटेरियल को पर्टिकुलरली इस पूरे मटेरियल को क्या करना इस पूरे मटेरियल को आपको करना है करना. इस पूरे मटेरियल करेंगे आप अरेंज करेंगे अब अरेंज करना है आपको यू हैव सो मेनी थिंग्स आपके पास किताबें हैं आपके पास मैगजींस हैं आपके पास पीरियोडिकल्स हैं आपके पास जर्नल्स हैं आपके पास एबस्ट्रैक्ट है इंडेक्स है मैगजी न्यूज पेपर्स है देर आर सो मैनी थिंग्स लाइब्रेरी के अंदर इन सबको अगर एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे लाइब्रेरी का अंदर क्या है वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स तो इन रिसोर्सेज को अरेंज करना ही क्या कहेगा क्लासीफिकेशन मैं छोटी छोटी चीजें आपके सामने लेके चल रहा हूं अगर आपके पास किताबें देखिए दुकान सजानी है आपको आप लाइब्रेरी का एक दुकानदार है भाई उसको दुकान सजानी है अपने उसके पास बहुत सारे सामग्री है आप अरेंज करेंगे अरेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें कैसे अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के लिए देखिए आपको अरेंज करना है ये बात तो समझ में क्लासिफिक अरेंजमेंट करना आप किसके आधार पर कर सकते हैं अरेंजमेंट के आपको आधार चाहिए पहला आधार क्या है आपका ऑथर ऑथर हो गया सेकंड क्या हो गया आपका ऑथर के बाद क्या होगा पब्लिशर तीसरा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट चौथा हो गया आपका साइज और पांच हो गया आपका इट इज कॉस्ट ऐसी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप मुझे बताइए इनमें से आपको सही तरीका क्या लगता है आप भाई लाइब्रेरी में किताबें है आप कैसे समझाएंगे उसको ऑथर के आधार पर जमाना चाहते हैं आप उसको या पब्लिशर के आधार पर जमाएंगे आप उसके साइज के आधार पर जमाएंगे या आपके सब्जेक्ट जी बिल्कुल बहुत बढ़िया देखिए जितने लोग मैं देख पा रहा हूँ सारे लोग बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आप रहे हैं बहुत खूबसूरत से कमेंट है जितने जी बिल्कुल अपूपा वेरी गुड अपूपा आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है अपूपा क्लासिफिकेशन के बाद में पहले क्लासिफिकेशन होगा उसके बाद अपूपा होगा मैं अपूपा को भी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने आप तो मुझे बताइए ये सारी चीजें इनमें से आपको कौन सी ऐसी चीज जो है लॉजिकल लगती है यानी कि आप जैसे मान लीजिए आप सपोज आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और आपको कोई किताब चाहिए तो अलग अलग तरह के लोग लाइब्रेरी में जाएंगे वो उनके किसी को कोई पहुंचेगा क्लास में पहुंचेगा लाइब्रेरी क्लास में आप क्या क्या पूछ सकते हैं है ना आप लाइब्रेरी में जाएंगे आप लाइब्रेरी में पूछ सकते हैं मुझे किताब चाहिए कॉलन क्लासिफिकेशन या मुझे किताब चाहिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मुझे किताब चाहिए लाइब्रेरी साइंस कोई कोई बोलेगा मुझे किताब चाहिए रंगनाथन को, कोई कोई किताब बोलेगा मुझे एस एस पब्लिकेशन कोई मुझे बोलेगा किताब चाहिए मुझे इसकी कॉस्ट है तीन सौ छब्बीस रुपये ठीक है कोई मुझे बोलेगा किताब मुझे किताब चाहिए इलेवन पॉइंट फाइव इन टू सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर से, कौन सी, कौन सी अप्रोच से मैं मना नहीं कर रहा हूं कौन सी अप्रोच सबसे ज्यादा होगी इनमें से कौन सी अप्रोच आपको लगता है सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा अप्रोच आप लाइब्रेरी में आप सबसे ज्यादा जो किताब मांगी जाएगी देखिए नॉर्मली वी डोंट नो द प्राइस ओके okay, हमें किताब की प्राइस नहीं पता होती नॉर्मली वी डोंट नो दो द साइज कॉलन क्लासिफिकेशन में किताब मांगी जा सकती है ओके okay? उसका और सीधा कॉलन नहीं भी पता इफ यू आर न्यू अगर आप नए हैं तो क्या मांगेंगे आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आप और भी नए हैं तो क्या मांगेंगे सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है मांगने का वो क्या है आपका इट इज वॉट लाइब्रेरी साइज के ऊपर आप मांगेंगे देन उसके बाद आप रंगनाथन भी मांग सकते हैं ऐसे मांग सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली मैक्सिमम जो है कौन सा आपका इट so so yani कि आप किताब क्या मांगे आप जो है बच्चा के मांगे? के के वाली सबसे होती है. तो हम लोग, लोग लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को क्या करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर बांटना शुरू करते हैं ये शुरुआत हमने नहीं करी लेकिन हाँ जितनी जैसे सपोज वी आर हैविंग है मेरे पास लाइब्रेरी में कितनी है एक हजार किताबें है ना तो एक हजार किताबों को हमने क्या करा बांटना शुरू करा है कैसे बांटेंगे मैं करूंगा साइंस की ओके एंड देन देन सोशल साइंस की की इसके बाद आर्ट्स या मैं और कर दूंगा रिलीजन की ऐसे कहा बांटना शुरू करेंगे तो ये हमने अलग अलग टुकड़ों में बांटना शुरू बांटने किताबें थी हमने अलग अलग बांट दिया किसी के अंदर किताबें हैं किसी में दो सौ ढाई सौ किसी में सौ किताबें पिछा से। ये बार ये सबसे ये फर्स्ट सिस्टम ये बांटने का सबसे सही तरीका है तो बांटने का सबसे सही तरीका सबसे पहले किसने स्टार्ट किया इट इज मेलविल

कौन, Religious. Religious कौन सी रख दी किताबें रख थर्ड नंबर साइंस की किताबें पर रख दी चौथे नंबर की की अलमारी थी पर कौन रख दी? ओके। पांचवे नंबर की जो अलमारी थी क्या रख दिया रख दिया साइंस दैट इज प्योर साइंस छठे नंबर की जो अलमारी थी पर क्या रखा दैट इज नोन एज अप्लाइड अप्लाइड साइंस की सातवें जो अलमारी थी क्या रख दिया आर्ट्स

फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी एक नंबर कर दिया रिलीजन दो नंबर कर दिया सोशल साइंस तीन नंबर कर दिया लैंग्वेज को क्या कर दिया चार कर दिया दैन तो उसके बाद प्योर साइंस को पाँच कर दिया अप्लाइड साइंस का छः नंबर अलमारी कर दिया आर्ट्स वाली थी इसके ऊपर सात रख दिया लिटरेचर वाली ऊपर आठ रख दिया और हिस्ट्री जोग्राफी इसके नंबर कर दिया कर नौ नंबर ऐसे कुल मिला के दस वर्गो में बांट दिया और दस वर्गो में जब बांटा तो इसी को क्या बोला इसको बोला डेका कोटोमी डेका को टी ओ एम वाई डेका को डेका का मतलब क्या होता है दस किसी भी चीज को किसमें बांटना शुरू कर दिया अपने तो एक लाइब्रेरी में काम किया करते थे और वहां पर उन्होंने काम कर रहे थे तो देखा कि लगातार पे कुछ किताबें रिलीजन से संबंधित है कुछ आपकी सोशल साइंस की है कुछ साइंस की है लगातार किताबें आपस में मिक्स हो रही थी उन्होंने क्यों ना इनको सब अलग अलग अलमारी में जमा दी अब जब अलमारी में जमा दी तो दस अलग अलग अलमारी में जमा दी उनके ऊपर सबके ऊपर एक एक नंबर डाल दिया तो बन गई वो न समस्या ये आई कि भाई जब जैसे रिलीजन अब जो दो नंबर अलमारी थी ना तो यहाँ पर जैसे अब अलमारी हो गई आप कौन सी हो गई थी तो आपकी अलमीरा हो गई आपकी इट्स टू नंबर मैंने कहा ना अब जैसे दो नंबर अलमारी थी अब दो नंबर अलमारी के अंदर क्या था सारी किताबें किसकी थी रिलीजन की ओके रिलीजन यानी कि धर्म से संबंधित किताबें थी ना अब इसमें क्या गया? आ गया आपकी यहाँ पर आप देखिए आपका इस्लामिक धर्म आ गया उसके अंदर ना, ना? ना? हिंदूज्म ऐसे करके एक लिस्ट बन गई अब इसके अंदर भी अब अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करना तो क्या कर तो हमने इसी के अंदर क्या कर दिया हमने इनके सबके नंबर लिया रिलीजन के अंदर क्या कर दिया हमने कर दिया टू है तो टू से लेकर क्या कर दिया को कर दिया टू वन उसके बाद कर दिया टू टू दे टू थ्री टू फोर ऐसे करते टू करते करते कहां तक पहुंच गए हम नाइन तक पहुंच गए तो क्या हो गया इट्स कहां से स्टार्ट किया हमने टू जीरो से स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गए तक ये ये सेकंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट फर्स्ट भाई दो नंबर मतलब रिलीजन दो के अंदर चले गए तो ऐसे ऐसे बांटते अब आगे चले गए अब जैसे हम हिंदूज में चले गए हिंदूज में भी बहुत सारे धर्म आ गए तो हमने क्या किया उसको फिर टू वन टू नाइन टू नाइन वन टू नाइन टू टू नाइन थ्री ऐसे करते करते तो हमने कुल मिला के क्या करा मैक्सिमम कितना यूज किया थ्री डिजिट ये सिंपली तीन डिजिट के हमने नंबर शुरू कर दिया जिसमें से फर्स्ट नंबर जो था आपका फर्स्ट नंबर कौन सा था तो फर्स्ट नंबर ये था फर्स्ट नंबर ये दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर सबका ये जीरो जिसका कुछ पता नहीं जीरो देन उसके बाद एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे करते करते नो कर लिया उसके बाद सेकंड डिजिट उसी का यानी रिलीजन का सेकंड ऐसे करते करते तीन डिजिट का नंबर बनाया और मेलविलेवीन की अगर इसको पूरा क्लासिफिकेशन लेकर कहां से स्टार्ट तो मेलविन लेवी स्टार्ट क्लासिफिकेशन जीरो 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 से लेके कहा तक स्टार्ट है नाइन 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 यानी कि एक हजार सब डिविजन ये क्लासिफिकेशन का बेस है यहां पर देखिए मैं बहुत छोटी तो मेलविल डेवी ने अपने हिसाब से किया यहां पर दैट इज प्योर नोटेशन के ऊपर काम किया जीरो से लेकर नाइन तक काम किया जब रंगनाथन आए तो रंगनाथन ने 1933 में कॉलन क्लासिफिकेशन दिया तो रंगनाथन ने लिया ए से लेकर जेड तक उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया पर उन्होंने जीरो से नाइन न लेकर उन्होंने क्या कर दिया ए से लेकर जेड तक ले लिया स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक देन कैपिटल से लेकर लेकिन अलग अलग तरह की पद्धतियाँ उस जमाने में बनती गई जो कि हमने काम मिले जी बिल्कुल जी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जितने भी लोग लाइव हैं मैं सॉरी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ दो मिनट का समय आपके कमेंट्स पढ़ते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे लग रहे हैं जी अगर किसी ने लाइक नहीं किया यू आर यू आर वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन पीपल्स आर राइट राइट नाउ आप लोग लाइव हैं और किसी ने लाइक की संख्या मुझे हंड्रेड भी नहीं दिख रही है है ना तो आप चाहें तो कर सकते हैं जितनी देर बाकी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके कुछ जेन्यून कमेंट्स हो तो डेफिनेटली मैं पढ़ के आपको उसका आंसर देंगे संतोष कुमारी सर जी एग्जाम कब होने का है प्लीज देखिए एग्जाम कब होने का मैं आपको बता दूं अगर आपके सवाल मुझसे पूछें अगर केवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस का देखिए फर्स्ट हमारा बैच जो है वो आपका आ, फर्स्ट ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा और केवीएस का या एनवीएस के अंदर एक रूल है कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है जब आपका फॉर्म सबमिशन का डेट होता है उसके नेक्स्ट फोर मंथ्स के अंदर मैक्स टू मैक्स जो है आपका एग्जाम होता था आप मान के चलें कि फरवरी एंड नहीं लेकिन मुझे मार्च के अंदर जो है आपका केवीएस का एग्जाम जो है होता हुआ लगता है तो मार्च तक आपके पास समय है पर्याप्त समय है आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं जी बिल्कुल थैंक यू जितने भी लोग लाइव हैं जिन्होंने लाइक कर दिया है आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया तो यहां पर देखिए मैं आपको जी हाउ टू स्टडी स्टडी करने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका है आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है पहले फर्स्ट देखिए दो तीन राउंड के अंदर आपको तैयारी करनी है पहला पहला फेज़ ये है आपका फर्स्ट राउंड ये है कि आपके पास जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस के कंप्लीट आउटलाइन को आप चेक करें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ लें केवीएस में इस बार देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना बहुत अच्छा मौका है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपके पास थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव सीट्स ऐसा कभी नहीं होता नेशनल लेवल के ऊपर तीन सौ पचपन सीट जो है बहुत अच्छी होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसमें पोस्टिंग होती है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप थोड़ा सा अगर आप प्रयास करें तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी को आप निकाल सकते हैं आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा जो अब तक पढ़ते आए हैं और जो ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ते आए हैं वैसा आपको नहीं पढ़ना यूजीसी एंटीनेट में जैसे कि ओरिएंटेशन होता है आमतौर पर यूजर का जिसको हम लोग बात करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के अलावा यानी कि सॉरी सिलेबस के अलावा जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को छोड़ते हुए जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी आप जो है अच्छा और बेहतर काम कर पाएंगे तो वो आपको करना है और वो कैसे करना है मैं उसके लिए आपको टाइमली स्ट्रेटेजिकली चलेंगे हम लोग उस पर बात करेंगे मैं पर्टिकुलरली टॉपिक आपका टॉपिक क्लियर करूंगा देन उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे तो उसकी जो प्रैक्टिस है ऑटोमेटिकली आपकी जारी कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा डेली क्लासेस के अंदर आपको खुद से भी करना होगा तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ ये रिजल्ट ओरिएटेड और टारगेटेड बैच जो है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जनवरी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ आपको समय मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए बहुत पर्याप्त समय आपके पास आप कर सकते हैं इसको जी टेस्ट सीरीज कब देखिए टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं क्योंकि जब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो टॉपिक के साथ ही मैं आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर मैं क्या क्वेश्चन हैं कैसे बन सकते हैं बनेंगे वो टेस्ट आपका हाथों हाथ लूंगा इस बार ताकि आपका वो टॉपिक जैसे रिविजन का भी आपको आवश्यकता नहीं होगी हम लोग हाथों हाथ उसको कम्प्लीट करेंगे ओके सो जी कोर्स कितने मंथ करेगा देखिए कोर्स ऑलमोस्ट जो है दो से ढाई महीने का रहेगा दो से ढाई महीने तो मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा और उससे पहले हम लोग कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे एन में भी यही हुआ था आपका तो आपका ऑलमोस्ट वही साइकिल चलेगा आपका इसलिए आप चिंता ना करें आपका बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोग लेके चलेंगे इसलिए मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं देखिए मैंने एक जनवरी से बैच स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप जितने भी अपने बाकी काम है वो सारे काम कर लीजिएगा ओके okay, और आप सारी लाइब्रेरीज है फ्री जाए क्योंकि आपको एक जनवरी से जो है आपको डेफिनेटली केवल जो है आपको पढ़ाई करनी है और अगर आप टारगेटेड चलेंगे तो आप डेफिनेटली जो है आप उसके अंदर आप चीजों को अचीव करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड जो है काम होगा ओके okay, सो so, जी किताब फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आपको देखिए अलग अलग जो सब्जेक्ट टीचर्स है क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस का हूं तो मैं लाइब्रेरी साइंस की ही बात कर सकता हूं आपसे लाइब्रेरी साइंस की किताब मैं जितना भी कोर्स कंटेंट है किताबें है बाजार में मार्केट में आपको मिल जाएगी लेकिन दे ऑल आर आउटडेटेड क्योंकि चीजें समय के साथ अपडेट नहीं हुई है तो आपको मुझे लगता है कि किताबों से ज्यादा बेटर है कि आप जो है जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं और प्लस रोज जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको करना जरूरी होगा उसके साथ ही जो है आप अच्छे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे जी बिल्कुल नेट का एग्जाम भी आपका जो है मार्च से पहले नहीं होगा आपको ये मान के चलिए तो नेट का भी बैच जो आपका फर्स्ट ऑफ जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है चलिए बैक टू द दैवलियन बात करते हैं वापस से मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं देखिए आपने क्या क्या चीजें देख ली एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं अभी तक जो हमने किया है इसको मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन सोर्सेज देखें यहाँ पर कलेक्शन है हम लोग लाइब्रेरी के अंदर इसको ऑर्डर फॉर्मेट में रखते हैं बहुत सारा मटेरियल हमारे पास बल्क में होता है तो उसको अरेंज करना जरूरी है ताकि हम लोग इंस्टेंट उसको प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी रूल के अरेंजमेंट होगा नहीं क्लासिफिकेशन भी करते हैं कैटलॉगिंग करते हैं इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने यूजर का टाइम बचा सकते हैं इसलिए हम बात करते हैं देन देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है आपका लाइब्रेरी के अंदर और ये क्लासिफिकेशन जो करते हैं तो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो कौन सा है हम लोग सिर्फ करते हैं सब्जेक्ट के आधार हम ऑथर के आधार पर पब्लिशर के आधार पर साइज और कॉस्ट के आधार चीजों को वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होता है सब्जेक्ट सबसे अच्छा तरीका है जिसके आधार पर हम लोग बांटते हैं और सब्जेक्ट के आधार पर बांटना चालू किया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हजार किताबें सबसे पहले मेलविल डेविन ने इस काम को किया और मेलविल डेविन ने समस्त किताबों को क्या करा अलग अलग एलमिरा में बंद किया और उसके ऊपर जो है लेबलिंग स्टार्ट करी यही क्लासिफिकेशन का जन्म है यहां से क्लासिफिकेशन जन्म है और ये डेका का टॉपिक क्योंकि दस चीजों में बटा देन दस को फिर दस में बटा और दस में बटा ऐसे करते हैं कितना हो गया तो एक हजार सब डिविजन हो गए तो यहां पर लिखता है इट्स तो ये तीन डिजिट का अंक जो है ये किसी न किसी मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फिजिक्स की मेन क्लास क्या है मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या है तो फाइव वन जीरो जो है आपकी मैथमेटिक्स की मेन क्लास है ऐसे बॉटनी की मेन क्लास क्या है तो फाइव एट जीरो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये आपको याद नहीं करने एक हजार सब बच्चे आप पूछ रहे सर मैं एक हज़ार सब डिवीज़न याद कर लूँ क्या याद कर भी नहीं सकते आपको करने भी नहीं है लेकिन कम से कम दस तो याद हो आपको दस सब डिवीजन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा आपका काम चल जाएगा तो ये प्रैक्टिस मैक्स द मेन परफेक्ट है ना तो ये समय के साथ आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपको अपने आप याद हो जाता है तो मेरे हिसाब से जैसे होता है ना जैसे वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं लेकिन जब सड़क पर आप निकलते हैं और आपके आगे कोई फोर व्हीलर जाता है कोई गाड़ी निकलती है आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का वो जो आर आपको कोड देता है, है वो याद रहा है, है तो मैं लिखा हुआ जैसे अजमेर की है अलवर की लाइक क्योंकि वो हमें धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाता है अगर गाड़ी के पीछे एमपी लिखा हुआ है तो मुझे प्रदेश की यूपी लिखा हुआ तो उत्तर प्रदेश की है ऐसे so हमने हर जीवन में हर जगह चीजें क्लासिफिकेशन के आधार पर ही चल रही है तो यहाँ पर भी जब हम एक समय ऐसा आता है कि जब इतनी सारी चीज़ों को हम साथ में लेकर चलते हैं तो क्लासिफिकेशन का हमें बहुत कुछ आइडिया हो जाता है हमें दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ये कौन से स्टेट का वहीकल है हम लोग अपने शहर का नाम तक पहचाना शुरू कर देते हैं एट द तो सेम थिंग यहाँ पर भी जब आप क्लासीफिकेशन करते हैं तो आपको पता चलता है फाइव से स्टार्ट होने वाला मतलब प्योर साइंस है फाइव वन जीरो जो है वो आपको मैथमेटिक्स है फाइव थ्री जीरो आपका फिजिक्स है फाइव एट जीरो आपको बॉटनी लाइक दैट अभी आपसे इंजीनियरिंग का सवाल पूछा गया था अब सबसे पहला आपका यूजीसी आपका राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होता वहाँ पर आपसे तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है आपसे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछा हैं तो चाहे तीन पद्धतियां आपकी है ना हम लोग तीनों पद्धतियों की बात करें कौन कौन सी पद्धति मैं आपको बता दूं एक जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो पद्धति है उसको हम लोग बोलते हैं डीडीसी इट्स डीडीसी इट्स डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ये कब बनी तो इट इज एटीन सेवेंटी सिक्स अठारह सौ छिहत्तर में किसने बनाई मेलविल ये फर्स्ट स्कीम जो सबसे ज्यादा फेमस है ना दुनिया में सबसे ज्यादा स्कीम काम में रहती है सेकेंड नंबर पे जो स्कीम काम में रहती है इसको हम बोलते हैं यूडीसी इट इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये नंबर दो पे आती इट्स यूडीसी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन कब बनी 1905 के अंदर किसने बनाई? तो दो लोगों ने बनी कौन कौन है आपके पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ मॉन्टेन तो ये देखा जाए इसी का परिवर्तित रूप है ये दो चीजें हैं और तीसरी स्कीम जो काम में ली जाती है सबसे ज्यादा यानी कि इसके बाद हमने तो दैट इज इट्स कॉलन क्लासिफिकेशन कब तो आप देखें यहां पर इसका सन कौन सा इट्स तो इट्स 1933 फर्स्ट एडिशन की बात करो 1933 और किसने बनाई तो डॉक्टर रंगनाथन ओके ऐसा नहीं है कि ये तीन स्कीम्स से देख सकते हैं अभी ऐसा नहीं है कि तीन स्कीम्स से लेकिन इसके बाद भी देखिए इन स्कीम्स के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि और भी कई सारे स्कीम्स हैं लेकिन वो जो स्कीम है जो पद्धतियां जो चलती हैं जो पद्धतियां चलन के अंदर हैं ये मोस्टली ऐसी पद्धतियां हैं जो कि काम में ज्यादा ली जाती है इसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है आपका Then, आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है ओके okay? जो आपका सी ए करोग्राफिक क्लासिफिकेशन है आपका ऐसे बहुत सारे कम से कम दस क्लासिफिकेशन स्कीम आपको लिखे जाते हैं है कि क्लासिफिकेशन है, है कौन कौन से प्रकार है दैट इज इन्यूमरेटिव ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव देन उसके बाद फैसेटेड है ऑलमोस्ट है फ्रीली तो ये अलग अलग बताते हैं ये क्या चीजें होती हैं इनके बाद बहुत सिंपल तरीके से अभी हम स्टार्टिंग में अभी हमको देखिए मैं ये बात करता हूँ हम ले की तरह स्टार्ट करते हैं इसको है ना बहुत ही साधारण मैं ये मानता हूँ जैसे देखिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये ज़रूर है कि मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि भाई आपको क्लासिफिकेशन आता है और कैटलुंग आता है तो वहाँ पर पढ़ने का मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद आप में से क्योंकि मैक्सिमम लोग जितने भी हैं क्योंकि मुझे पता है कि वही चीज़ें नाइन्टी परसेंट लोग जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो है वो बिलीव है ओके हाँ डीलिप है सीलिप है लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन से है रेगुलर मोड में जो है बच्चों ने बहुत कम पढ़ाई करी है जब बच्चों ने रेगुलर मोड में कम पढ़ाई करी तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जब चीज़ें नई नई सुनने को मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं समझने से पहले केवल रटना प्रारंभ कर देते हैं है ना बच्चे ने होश नहीं संभाला उसके पास बिलीप की डिग्री है लेकिन उसको पता नहीं रंगनाथन कौन है तो सबसे पहले रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्री साइंस उसने पढ़ना शुरू कर दिया रंगनाथ अब रंगनाथन ने कब कहाँ कौन सी चीज़ कही तो वो वो शॉर्टकट तरीके से वहाँ तक पहुँचता है अगर सही तरीके से अगर हम चलें तो ऑटोमेटिकली देखिए रंगनाथन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सब्जेक्ट का निर्माण किया रंगनाथन से पहले लाइब्रेरी साइंस नाम की कोई चीज नहीं थी रंगनाथन ने किताब लिखी ना उन्नीस में किताब लिखी फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसका प्रकाशन उन्नीस में नाइन में हुआ लेकिन रंगनाथन पहले व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि फाइव लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस क्योंकि लॉ लिखे तो सब्जेक्ट को उन्होंने विज्ञान बनाया और विज्ञान का और वास्तव में विज्ञान है ये भी सवाल पूछा था कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो साइंस है या आर्ट है ये सवाल मैं कई बार लोगों से पूछ भी चुका हूँ जी ओके okay, सो so मैं कई बार लोगों से पूछा तो लोगों ने ये कहा भाई लाइब्रेरी साइंस जो है वो क्या है साइंस है या आर्ट है तो भाई कहते हैं भाई अगर आर्ट है या साइंस है तो इसको साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते साइंस फैकल्टी के साथ ही तो आर्ट्स फैकल्टी के साथ पढ़ाया जाता है ना तो मैंने कई मेरे कई सारे वीडियोस हैं जहां पर मैंने इस बात का भी जो है सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई आर्ट है या साइंस है तो देखिए इट्स प्योरली सबसे पहले जो है ये आर्ट है देन उसके बाद साइंस है साइंस इसलिए कि क्लासिफिकेशन में कैटलॉगिंग है, साथ है।, साथ है।, साथ है। तो सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकल पार्ट है टेक्निकल पार्ट क्या क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ये दो चीजें ऐसी सोशल साइंस ये ये का पार्ट इसलिए, इसलिए है कि इसके अंदर सबसे पहले रंगनाथन आता है और रंगनाथन जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी 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 ओके वेरी वेरी गुड है ना सो so, देखिए सबसे पहले रंगनाथन की फिलोसॉफी रंगनाथन का दर्शन अगर आप नहीं पढ़ते हैं रंगनाथन को आप स्किप कर देते तो लाइब्रेरी साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है ना रंगनाथन ने कहा त्रिमूर्ति अवधारणा में सबसे पहले क्या कहा पाठक पुस्तक कर्मचारी तो रंगनाथन बहुत सारी चीजें हैं तो मैं सब्जेक्ट पर ही हूं आपकी मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर लेकिन रंगनाथन का जिक्र करना जरूरी है यहां पर हर जगह रंगनाथन का जिक्र आएगा और रंगनाथन की फिलोसॉफी साथ में चलेगी तो फाइव लॉज अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं मैं जिन्होंने देखा है जिन्होंने नहीं भी देखा तो मैं उनसे ये कहूंगा कि देखिए आप सबसे पहले आप देखेंगे उसके अंदर तो फाइव लॉज वाला वीडियो जो है मेरा यूट्यूब के ऊपर जो आप जरूर देखें जी निकिता कौशिक सर आज, आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है जी सॉरी निकीधा फ़र्स्ट क्लास नहीं है ना ये क्लासेस तो मुझे नहीं पता कितने दो सौ ढाई सौ तीन सौ वीडियो यूट्यूब के ऊपर हो गए हैं और मैं पिछले दो साल से जो है मैं काम कर रहा हूँ लाइब्रेरी इंफॉमेशन साइंस के लिए काम कर रहा हूँ अलग तरीके से तो आप का चैनल पर स्वागत है जितने भी लोग नए आए हैं उन सभी लोगों का चैनल के ऊपर स्वागत है लगातार आपके जितने भी सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आपके सामने काम करता हूं ओके और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूं जहां पर आज की डेट में जो है आठ स्टूडेंट जो है मेरे रिसर्च स्कॉलर से तीन की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है आठ अभी एनरोल्ड है जिनमें से जो है लगभग दो की अभी अगले छः महीने के अंदर पीएचडी हो जाएगी और बाकी छह लोग जो है वो पीएचडी करेंगे मैंने उनको सुपरवाइज़ किया है मैं उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में उनके साथ काम करता हूँ रिसर्च के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मेरे जो मेरी खुद की जो पी है वो कॉलन क्लासिफिकेशन के ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर मैंने काम किया क्लासिफिकेशन ही एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लाइब्रेरी के अंदर है ना क्योंकि जब मैंने देखा कि जिस प्रकार से लाइब्रेरी में किताबें हैं और कैसे एक लाइब्रेरियन किताब को इंस्टेंट ढूंढ लेता है

ऑनलाइन क्लासिफिकेशन भी लिखी है डॉक्टर एसराना तो बहुत अच्छे तरीके से लिखी ओके okay? सो so, जी बिल्कुल बताइए सर देविका शर्मा जी आप कह रहे हैं कि सर प्लीज़ रीड माय कमेंट देविका जी क्या कमेंट पढ़े आपको बताइए हाउ मेनी टाइम्स आई सेंड द मैसेज सॉरी देविका जी मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया एक बार फिर से जो है आप कमेंट कर दीजिएगा मैं सबसे बात करना चाहता हूँ मेरा खुद मेरी इच्छा करती है कि मैं सबसे बात करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली अगर आप व्हाट्सअप भी करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई आप जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं मैंने नंबर भी आपको दे रखा है जिस सर हम आपको वाट्सअप पर मैसेज किया आप देखते नहीं जी ऐसा रूप कृष्ण आप बिल्कुल अपना नाम बताइएगा और उसके अंदर लिखिएगा तो मैं जी थैंक यू जी जी एफ एम राइडर्स बिल्कुल अनमोला जी कह रहे हैं एफ एम राइडर बिल्कुल सही बात है ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन राइडर्स क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं जी बबीता जी विक्की सर डेली क्लास चलेगी डेली चल रही है क्लास के में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो के के अंदर आप मान के चले नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी उसके अंदर जी सर मुझे भी पी एच डी करनी प्लीज़ सजेस्ट मी नंबर दे रहा हूँ आप लोगों के ना अगर आप वाट्सएप केवल अगर व्हाट्सअप करना चाहें तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ ओके सो आप इट्स नंबर आप नोट कर लीजिएगा दिस इज द नंबर है ना प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको अगर आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे सो देखिए, मैंने आपको दिया डायरेक्ट अगर केवल यहाँ व्हाट्सएप आप केवल सब्जेक्ट कंसर्न चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं है ना यहाँ पर आ, कोर्स कितने का है या सब चीजें या और भी कोई डिटेल्स आप सॉरी फॉर दैट उसके लिए मैं हाँ लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या करना है आपको कैसे पढ़ाई करनी है आपको पीएचडी एच डी करनी ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए मैंने आपको डायरेक्ट नंबर दिया है और बाकी नंबर आपको जो है कोर्स वगैरह के लिए अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको है ना फॉर एनी कोर्स कंटेंट अगर आपको कोर्स के लिए नंबर चाहिए इट्स मेरा नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ है इट इज सेवन एट ट्रिपल सेवन वन नाइन टू एट सेवन दिस इज नंबर है ना ये आपका नंबर किसके लिए आपके क्वेरीज के लिए नंबर है ना तो आप ये किसी कोर्स संबंधी अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर कर सकते हैं ओके सो दीज आर टू नंबर है ओके ये आपको मैंने आप दे दिया नंबर 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 तो आप इसको कर सकते हैं दिस इज़ द दोनों क्लास के अंदर आपसे हालांकि केवल इन्हीं चीजों में समय हो गया क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे यहां पर पुस्तकालय वर्गीकरण आज का हमारा टॉपिक शीर्षक

और साधारण अर्थ जो है मैंने आपको सामने लिखा है मैंने अपने शब्दों में लिखा है कि विभिन्न प्रकार की हमारे आसपास प्रकृति में जितनी भी प्रकार की वस्तु सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तो प्रकृति में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं है उनको उनके रूप रंग आकार गुण और व्यवहार के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना डिफरेंट कैटेगरी बांटना ये क्लासिफिकेशन मैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात आपसे नहीं कर रहा बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा प्रकृति में नेचर में एनवायरमेंट में हमारे आसपास दिन रात सुबह शाम जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं उनको उनके रूप रंग आकार गुण व्यवहार आदि के आधार पर हम चीजों को बांटेंगे उनमें कोई विशेषता ढूंढेंगे और विशेषता के आधार पर हम चीजों को बांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा क्लासिफिकेशन कहलाएगा एंड दैट इज नोन एज जब क्लासिफिकेशन पढ़ते आपको आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा कैनस ऑफ क्लासिफिकेशन और कैन ऑफ लाइव क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहला कैन है उसका नाम है कैन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता का उपसूत्र है है नियम है। तो ने सबसे पहले कहा कि दो चीजों को तब बांट पाएंगे जब दोनों के अंदर कोई आपको अंतर नजर आएगा। और अंतर कब नजर आएगा आपको तो आपको अंतर 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 नजर 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 आएगा 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 और जब जब कब कब तो आप देखेंगे उसके अंदर कि अंदर कि चीजों के छोटा है, है, ना? किसी का रंग, किसी का है किसी का लाइक करते हम लोग बांट रहे तो किसी भी चीज को जहां पर देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा आपको इसको इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा दो पांच सेकंड लगेंगे आपको लेकिन इसको आप पढ़ें आराम से इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी लिखा हुआ यहाँ पर कि विभिन्न सामग्रियों को स्रोतों को वस्तुओं को उनके रूप रंग आकार व्यवहार प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है और इसका मुख्य उद्देश्य समस्त वस्तुओं को व्यवस्थित करना है भाई बांटना भाई कैसे बांटेंगे पहली चीज भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है तो क्लासिफिकेशन का मतलब सबसे पहली चीज है बांटना ओके okay, तो आप ये मैंने अभी बताया ना फर्स्ट क्या हो गया बांटना देन बांटने कहता है वर्गीकरण कहलाता है कहला अब क्यों तो इसका मुख्य उद्देश्य जब बांटेंगे इसलिए बांटेंगे उनको बांटने का मतलब क्या है पहली बात तो है व्यवस्थित करना है है ना और आवश्यकता होने पर कम से कम समय में उनको पुनः प्राप्त ये आपको क्लासिफिकेशन का उद्देश्य पता होना जरूरी है अगर आपको ये बात सही तरीके से और सही मायने में अगर आपको पता हो तो आप बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं ठीक है so, तो आप देख सकते हैं सो इट्स वेरी सिंपल भाई सभी लोग पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइबरी, बहुत इतना बड़ा माहौल बना बनाओ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डर लगता है प्रैक्टिकल आता है कर पाते है, नहीं कर पाते दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन आप ये समझे तो सही कि भाई चीज़ है क्या क्यों करते हैं अगर इसलिए करते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है चीजों को उनके रूप रंग आकार ये कोई भी विशेषता उसके अंदर है बांटना और बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे उनको अरेंज करना और अरेंज इसलिए करते हैं कि उनको वापस से रिट्राइव करना बहुत सिंपल सा तरीका है लाइब्रेरी में एक किताब तो है नहीं हज़ारों किताबें हैं और हज़ारों किताबों का आपको अरेंज भी करना है और अरेंज करने के बाद जी है आप उनको आप प्राप्त करेंगे जी आरिफ राठौर जी सर अमेजिंग बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जी है ना आई थिंक आप शायद कश्मीर से हो सकते हैं ना क्योंकि नाम राठौर नाम से जो है दो चार स्टूडेंट हैं वो कश्मीर से हैं तो मैं ये नाम पहले भी देख चुका हूँ जी जी नम्रता जी रिक्वेस्ट कर रही है कि लाइव लाइक कीजिए तो देखिए मेरे मेरे बिहार पर जो है करिए और मेरे मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इसको लाइक कर रखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखिए क्लासिफिकेशन तो वैसे भी मेरा बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकता हूँ और मैं आपको ईजी या ईजीएस तरीके से जो इसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्लासिफिकेशन है क्या और हम इसे क्यों काम में लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये है चीजों को अलग अलग रूप रंग आकार प्रकृति के आधार पर अलग अलग वर्गों में अभी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात हो तो रही है क्लासिफिकेशन का मतलब है अब नाउ द नेक्स्ट थिंग अब अगला देखिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी का मतलब क्या लिखा हुआ था लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ वराइटी ऑफ रीडर्स यानी कि ना रीडिंग मटेरियल ओके तो देखिए लाइब्रेरी में क्या है लाइब्रेरी में वैराइटी ऑफ रीडिंग मटेरियल है ना रीडर मटेरियल है यहाँ पर इट्स रीडिंग मटेरियल आप देखेंगे तो इट्स लाइब्रेरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया तो बहुत सिंपल था लाइब्रेरी का मतलब क्या है

आप कौन सा लॉ कहता है ये रंगनाथन ने कहा है कि किसके अकॉर्डिंग जो है आप ये ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या ग्रोइंग ऑर्गेनिम की बात करते हैं जी बताइए वेरी गुड जी बिल्कुल आप रूप जो है आप केवल की किताब वेरी गुड देखिए इतने सारे लोग हैं और बिल्कुल सही तरीके से जो है आपको आंसर दे रहे हैं कि लाइब्रेरी ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन कौन बता रहा है तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपने फिफ्थ लॉ कहता है आपको है ना तो पांचवा सूत्र क्या कहता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेजिक बढ़ते हुए जीव के समान है तो पहली बात आज कलेक्शन है और आज आपके पास किताबें हैं भाई आज मेरा कहना है मतलब उदाहरण के तौर पर आज आपके पास एक हजार किताबें हैं आपके पास तो लॉ ये कहता है कि कल ग्यारह सो होंगी कल बारह सो तेरह सौ चौदह भाई कलेक्शन तो बढ़ेगा ना समय के साथ लाइब्रेरी का मतलब ही कलेक्शन है तो समय के साथ वो कलेक्शन धीरे 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 बढ़ता जाएगा जब कलेक्शन आपका बढ़ रहा है तो क्यों ना उसको अरेंज करें अगर अरेंज नहीं किया तो वापस आपको ढूंढने में रिट्राइव करने में दिक्कत आएगी करते ना भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पर कई बार मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए हम लोग ट्यूशन जाया करते थे तो जब ट्यूशन भी जाते थे तो वहाँ पर आज के दौर में तो चलो जमाना चेंज हो गया जहाँ पर तो क्या बोलते हैं आज तो आपको क्लासेज होती है पी मिल जाते हैं नोट्स सॉफ्ट कॉपी में मिल जाते हैं व्हाट्सअप पर आ जाते हैं सारी चीज़ें वो ज़माना वो था भाई पच्चीस साल पुराना जमाना था जब हम ट्यूशन पढ़ने आते थे वहाँ पर वो सर क्या करते पेपर पे कार्बन लगा के रिम लिखा करते थे ना तो कम से कम पंद्रह पंद्रह बीस बीस कार्बन लगा के हम लोग रिम में लिखा करते थे और जो पेपर हमको मिलते थे हम उसको घर पे ला के मैं रख देता था उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो डेट वाइज जो है उसको लगा के पिन अप करके एक फाइल बना लेते और हम लोग क्या वो ला के पेपर डाल देते थे अब जब पेपर लाए देख कर आए उसको हमने रख दिया और उसको टाइम से नहीं अरेंज किया तो एग्जाम टाइम में ऐसा होता था कि इतने सारे पेपर होते थे लेकिन उसको पता नहीं चलता था कौन सा क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा खत्म कहाँ से हो रहा कौन सा कौन से दिन की क्लास कब हुई थी पेपर पे समय धीरे धीरे -दिर किया तो कार्बन भी वॉश हो जाता था तो बात मुझे आज भी याद है कि चीज़ें अगर ग्रोइंग है समय के साथ अगर बढ़ रही है तो आप क्या करें उसको आप अरेंज करें अरेंज नहीं करेंगे तो हमने अरेंज नहीं किया तो क्या हो गया एग्जाम टाइम में हमें पता नहीं चला कौन सा हम पेपर को उसको जमा नहीं पाए होता ना भाई जैसे किताब भी अगर आपकी फट जाए एक किताब अगर आपकी उसकी सिलाई फट जाए बात नहीं किताब के सारे पेजेस आप निकल जाए तो आप उसको वापस उस पेज नंबर के आधार पर जमा देंगे लेकिन अगर आप सोचे किताब फट गई उस पेज पर पेज नंबर नहीं लिखा आप क्या करेंगे आप you can't arrange, तो अरेंजमेंट अगर आप अरेंज करेंगे तो रिट्राइव कर सकते हैं ना और अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो जो है आप रिट्राइव करेंगे सॉरी दैट है नरेंद्र मीणा जी ये कह रहे हैं सर वी ने जुलाई 2020 का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं दिया हम क्या करें भाई आपको यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए आप जितने भी लोग हैं आप यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पर जो है उनको आप नोटिस दें आर टी ए भाई रिजल्ट नहीं दिया इसके लिए क्यों है तो वो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है देखिए ना ये आप लोगों के साथ जो है मेरी बिल्कुल सहमति है सहानुभूति है कि 2020 का रिजल्ट अगर 22 तक भी नहीं दिया और लगातार वैकेंसी आ रही है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएँ तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है आप यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है आप किसी अच्छे वकील से आप राय लेकर जो है आप इस चीज़ के ऊपर आप अपना जो है स्टे लगवा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि ये वास्तव में आपके हाथ में नहीं है लेकिन ये इसका पूरा सीधा सीधा प्रभाव जो है आपके व्यक्ति कैरियर पर पड़ रहा है ना क्योंकि गवर्नमेंट बार बार वैकेंसीज नहीं अभी राजस्थान का अंदर इतना अच्छा मौका था तो जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है डिसक्वालीफाई भी होंगे उसकी वजह से तो ये बात बिल्कुल सही है तो गवर्नमेंट क्योंकि यूनिवर्सिटी है आपके हाथ में किसी एक आ, व्यक्ति से भी कहने से कोई मतलब नहीं निकलता तो आप इसके ऊपर लीगल एक्शन जो है आप जरूर लीजिएगा इसके ऊपर ठीक है so, सो सो जी बिल्कुल दिस इज देखिए मैं आपको क्लासिफिकेशन की बात बता रहा था सो so, यहां पर मैंने लाइब्रेरी ग्रोइंग अब, इस अब देखिए इसी को मैंने लिखा इट्स अ ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन वेर देर इज ए कंटिन्यूस इनक्रीज यानी कि लगातार क्या बढ़ रहा है कंटिन्यूस इंक्रीज इन द मटेरियल देर फॉर इट्स नेसेसरी क्योंकि जरूरी है टू अरेंज द वेरियस मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसलिए लाइब्रेरी जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर जरूरी है मैंने आपको ये बताया आप इसको पढ़ सकते हैं कि पुस्तकालय जो है लगातार क्या हो रहा है पुस्तकालय विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री का संकलन है और साथ में एक वृदनशील संस्थान भी है चीजें लगातार बढ़ती जा रही है एक वृदनशील संस्थान है जहां लगातार सामग्री में वृद्धि हो रही है अतः यहां विभिन्न सूचना स्रोतों को व्यवस्थित करना अति आवश्यक है इसीलिए जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे मतलब अरेंज नहीं करेंगे तो वापस से पुनः उनको रिट्राइव जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे ठीक है जी शुक्रिया जितने भी लोग लाइव हैं बहुत अच्छी बात है अप्रोक्सीमेट टू लोग आप में से लाइव हैं अभी किसी ने लाइक नहीं किया उसको तो लाइक कर दीजिएगा मुझे आप बताइए देखिए मैं क्लासिफिकेशन की क्लास है और मैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन को यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन हम लोग पढ़ सकते हैं आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताइए कि क्लास आपको कैसे लगती है आपका पॉजिटिव फीडबैक जो है मैं अगर प्लीज़ फीडबैक रहा तो मैं डेफिनेटली जो है क्लास को हम लोग यहाँ से जो है कंटिन्यू करते रहेंगे आपके लिए तो so, देखते हैं आप प्लीज़ बताइएगा क्लास सिर्फ एक मिनट का समय और लूंगा आप मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी ओके okay? और क्लास अगर आपको अच्छी लगी आपका पॉजिटिव फीडबैक रहा तो डेफिनेटली जो है इस क्लास को क्लासीफिकेशन uh, मेरा एक इंटरेस्ट का टॉपिक है जो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है तो आज की क्लास क्योंकि समय इट्स ऑलमोस्ट ओवर है छः बज के अट्ठावन मिनट है और दो मिनट बाद जो है इसी चैनल के ऊपर जो है नेक्स्ट स्ट्रीम है तो नेक्स्ट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है क्लास आपकी वहां से जो है पुनः आपकी स्टार्ट हो जाएगी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोगों को मेरा यहाँ से आभार धन्यवाद स्नेह प्यार मोहब्बत और जी बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है तो थैंक यू फॉर दिस लगातार कल शाम को पुनः जी बिल्कुल सूर्यकांत जी बहुत बढ़िया ठीक है ओके सर थैंक यू कल शाम को छः बजे आप सभी लोगों से इसी चैनल पर फिर से मुलाकात करेंगे रोज शाम को छः बजे जो है मेरा फिक्स टाइम है मैं अलग अलग टॉपिक के साथ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के साथ आपसे यहीं पर मुलाकात करूंगा ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू गुड नाइट